जैसे सर सिनेमा की सर हॉल की सर टिकट बिकती है सर, ऐसे सर पेपर बिका है पर 500 रुपए में, 200 रुपए में। तो पेपर कहीं ना कहीं तो लीक हुआ है और ये पेपर 100 रुपए में 3-3 लाख लोगों को दिया गया। भर्ती को रद्द कर दोबारा से भर्ती लाई जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाकर छात्र महापंचायत कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक छात्रों का हुजूम इकट्ठा हुआ है और लोग पूरा एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। आज हम लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं, जहां पर हजारों की संख्या में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। इन छात्रों से बात करेंगे कि ये फिर से एग्जाम कराने की मांग क्यों कर रहे हैं और पेपर लीक का पूरा आरोप क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सर आयुष यादव है सर, मैं इटावा से आया हूँ। क्या है आरोप आप लोगों का? सर आरोप सर ये सर पुलिस विभाग के सर इस सरकार की प्रशासनिक इतनी लापरवाही रही सर, पेपर इतना लीक हुआ है, लीक के साथ साथ सर पेपर सर जैसे सर सिनेमा की सर हॉल की सर टिकट बिकती है सर, ऐसे सर पेपर बिका है 500 रुपए में, 200-200 रुपए में। नहीं, आपको कैसे पता चला कि पेपर लीक हुआ है? और आप जब सेंटर पे पेपर देने गए तो आपको उसके बाद जब पेपर देके निकले तो क्या पता चला? सर पेपर सर पहले ही आउट हो चुका था सर, तमाम ऐसे टेलीग्राम से चैनल बनाए गए हैं जिससे सर पेपर पूरा पूरा भेजा गया है, पेपर सर प्रॉपर लिख के भेजा गया है सर। इसके साथ आप प्रूफ की बात कर रहे हैं सर, नेशनल न्यूज़ सर पर उस पर पूरा ब्लैक एंड वाइट पूरा सर दिखाया गया है सर, नेशनल मीडिया पर पूरा चला है प्रूफ प्रूफ के साथ, हमारे तमाम शिक्षक ऐसे गढ़ हैं उन्होंने ये दिखाया है सर। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हमें सबूत दीजिए उसके बाद हम लोग दिखा रहे हैं। ये देखिए 18 तारीख का पेपर था, ये सेकंड शिफ्ट में आया था, और ये देखिए सुबह 6:15 पे लोगों को पेपर मिला हुआ है। ये देखिए ये सबूत दिखा रहे हैं, ये 18 तारीख को, ये देखिए 18 तारीख थी और ये 6:15 पे सेकंड शिफ्ट का पेपर, जो 3 बजे पेपर होना था वो सुबह लोगों को 6:15 पे मिल चुका है, और पूरा पूरा इसमें से 147 क्वेश्चन पूरे पर उसमें आए हुए हैं पूरे पूरे एग्जाम में। तो पेपर कहीं ना कहीं तो लीक हुआ है और ये पेपर 100-100 रुपए में 3-3 लाख लोगों को दिया गया। एक टेलीग्राम चैनल था जिसमें 3 लाख सब्सक्राइबर थे, जिसमें से 58,000 लोगों ने इस पेपर को देखा है। अगर वही सारे उसमें हो जाएंगे तो 60,000 वैकेंसी है, तो हम लोग का क्या होगा जो हम लोग मेहनत से करके आए हुए हैं। और ऐसा पेपर जो है 100-100 रुपए में हर जगह फॉरवर्ड किया गया, इसमें लिख के आ रहा है व्हाट्सएप में फॉरवर्ड मेनी टाइम्स लिख के आ रहा है, तो हम ये 147 सही है और 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। अगर 147-145 वाले हो जाएंगे तो हम लोग मेहनत से करके वो कहाँ होंगे सिलेक्शन। और ये 7-6 की देखिए 18 तारीख लिखी हुई, इसमें 6:15 पे सुबह पेपर मॉर्निंग में आया हुआ है और पेपर था ये शाम को 3 बजे और ये आ रहा है 18 फरवरी को सुबह 6:15 पे। तो ऐसे चारों शिफ्ट के पेपर वायरल हुए हैं, ये 18 सेकंड शिफ्ट का, 17 सेकंड शिफ्ट का है और फर्स्ट शिफ्ट के सारे पेपर लीक हुए हैं। और इसमें से पूरे 147 क्वेश्चन पूरे पर डिट्टो जो पेपर आया हुआ है 3 बजे उसमें सारे क्वेश्चंस मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो पेपर लीक हुआ है। और इस पेपर को लगभग कि 2-3 लाख लोगों ने देखा है और देख के पढ़ के गए हुए देने, तो उनका सिलेक्शन होगा ना, और कैसे होगा जब 1 लाख बच्चा ही 100% नंबर ले आएगा तो उसमें से आप 60,000 को कैसे लेंगे? मेहनत वालों को हटा दिए, कंपटीशन तो सिर्फ धांधली वालों का ये बचा हुआ है। आपका आरोप है कि धांधली की गई है, लेकिन सरकार मांग रही है सबूत मांग रही है और सरकार अभी भी डिनाइल मोड में है कि वो मैं ये धांधली नहीं हुई है। आप नहीं, हम लोग आपको सबूत दिखा रहे हैं, जब पेपर हम लोग के पास मतलब सुबह इतने 12-12, 24-24 घंटे पहले पहुंच जा रहा है तो लोगों को मतलब कैसे नहीं मिला होगा? अब ये इस चीज़ की जांच तो हमारी जो जांच एजेंसियां एसटीएफ वो करेगी ना, हम लोग तो आपको प्रूफ दे रहे हैं ना कि आखिर मेरे फ़ोन में 3 बजे वाला पेपर सुबह 6:00 कैसे आ गया, इसका मतलब वो लीक हुआ है तो सबको मिला हुआ है। और हमें किसी सरकार से कोई विरोध नहीं, हम बस इतना चाहते हैं सरकार से, मेरी इतनी अपील है कि आप इस पर जांच कराइए और जांच में अगर आपको लगे कि हम लोग सही बोल रहे हैं तो आप इस पेपर को पुनः कैंसिल करके पूरी तरीके से दोबारा रीएग्जाम कराया जाए। एक अहम जानकारी आपसे हमें चाहिए कि आपने जब पेपर देने गए होंगे और बाहर निकले और देखा कि पेपर लीक हो गया, फिर पहला रिएक्शन क्या था? नहीं, हमारा लोगों का पहला रिएक्शन ये था कि हम लोगों ने पेपर देखा तो हम लोगों ने सोचा कि ये फेक है, अफवाह, इस पर कुछ हो नहीं रहा है, मतलब ये मतलब फर्जी का इसको वायरल किया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको पढ़े तो थे ही कि थोड़ा बहुत देख के गए थे, लेकिन जब देखा पूरा पेपर सेकंड शिफ्ट में वही आ गया लोगों का, तो हम लोग डर गए कि मतलब अब हम लोग का मेहनत से क्या होगा, ऐसा पेपर तो 50,000 लोगों ने पढ़ा हुआ है तो हम लोग सिलेक्शन, तो हम लोग उसमें शॉक हो गए कि आखिर पेपर इतनी सख्ती के बाद इतनी, मतलब हमारी जो रेणुका मिश्रा जी भर्ती बोर्ड की हैं उन्होंने भी कहा कि हम लोग बहुत सख्ती से कर रहे हैं, पेपर किसी को नहीं पता चलेगा, सुबह 4 घंटे पहले वहाँ के जो चार्ज होंगे उनको पता चलेगा तो उनको कोर्ट डाला जाएगा तब वो, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि 24 घंटे पहले कैसे आ गया, तो हम लोग बहुत शौक है कि अगर पेपर कैसे लीक कैसे हुआ ये, तो इसलिए हम लोग खुद चाहते हैं कि इसको रीएग्जाम कराया जाए और इसकी जांच कराई जाए। अगर सरकार, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर सरकार कहती है कि हम पेपर दोबारा नहीं कराएंगे तो फिर आप लोगों की आगे की क्या रणनीति? हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देंगे और जब तक सरकार मानने की नहीं तैयार होगी तब तक धरना दिया जाएगा और इस बात का सबूत है, मतलब पूरा ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक सब लोग देने के लिए तैयार हैं और दिए भी हैं सब लोग, उसके बाद भी सरकार नहीं मानने की तैयार, आखिर क्यों? हर चीज़ में सरकार का बुलडोजर आ जाता है, इस चीज़ में जो लोग नकल माफिया हैं उनके घर बुलडोजर सरकार की क्यों नहीं पहुँच रही है? सरकार की कहाँ चली गई सब बुलडोजर? तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया क्या सब लोग कह रहे हैं सरकार का?
आप बताइए, आप अभी कह रहे थे सरकार का बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। हाँ, तेल खत्म हो गया, मतलब ये बुलडोजर मतलब क्या बोलते हैं, नहीं आ पा रहा है अब। पेपर लीक हुआ तो काफी निराशा हुई होगी। अरे बहुत हम लोग संघर्ष किए हैं, 120 क्वेश्चन सही किए हैं, पूरा मतलब ये तब से सो नहीं पा रहे हैं उसी दिन से। तो आप जैसे देख सकते हैं लोगों का आंदोलन यहाँ पर जारी है, और भी कुछ बच्चों से बात करेंगे, उनकी तैयारी को लेकर करेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि कब से आप तैयारी कर रहे थे, कैसी फैमिली बैकग्राउंड रही? हम तो पिछले एक साल से तैयारी कर रहे हैं। हमारे मतलब सीधा एक ही शब्द कहना है कि मतलब जो वैकेंसी हुई, अगर सरकार को साक्ष्य मिला है, प्रोन्नति बोर्ड को ज़रूरत के साक्ष्य मिल गए हैं, तो इन चीज़ों में सुधार किया जाए और भर्ती को रद्द कर दोबारा से भर्ती लाई जाए, और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। फर्जी नौटंकी बनाने से कोई मतलब है नहीं। सरकार ने कहा था कि सबूत आप आज शाम तक इकट्ठा दे सकते हैं, तो सबूत आप लोगों ने दे दिया? हमें तो लगता है जैसे जिनके पास है उनसे मांगा गया है ना, तो सरकार के पास हमें लगता है कि मतलब बहुत से ज़्यादा ही सबूत मिल गया होगा, और अब तो इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, और बहुत ही कम टाइम लिए बिना इस भर्ती को रद्द किया जाए। हमारा सीधा सरकार से यही कहना है, और हम सरकार का विरोध करने नहीं आए, सरकार की नीतियों का विरोध करने आए हैं। हमें सरकार कोई भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, हमें नीतियों से मतलब है। हमारी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बस एक कॉल लेटर के लिए यहाँ पे बैठे हैं, एक नौकरी हमें चाहिए। हम कुछ यहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं जो पेपर दी थी, और हम आपने पेपर दिया, कब से तैयारी कर रही थी? हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। जब बाहर निकले तो उसके बाद आपने देखा कि पेपर लीक है? नहीं, मुझे नहीं पता चला था, लेकिन बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया है। हम लोग इतनी सालों से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में वैकेंसी नहीं आ रही, जो वैकेंसी है तो ये हम लोगों के साथ मजाक कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि छात्रों की मांग है कि ये परीक्षा रद्द की जाए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे छात्रों का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा है, और सबकी मांग है कि पेपर दोबारा से हो। विशाल कसौजन, TV9, लखनऊ।